दोस्तों आइकू ने गेमर्स के लिए एक और नया फ़ोन लॉन्च किया है 30,000 के अंदर। और अगर आप एक गेमिंग फ़ोन लेना चाहते हैं तो इस फ़ोन को एक बार जरूर देख सकते हैं। इस फ़ोन का नाम है आइकू नियो 7 5G। अगर आपको गेमिंग फ़ोन का तलाश है तो आपका यहीं पर तलाश ख़त्म हो सकता है, अगर आपको एक गेमिंग फ़ोन चाहिए तो। इस फ़ोन में दोस्तों आपको एक दो कमियाँ भी देखने को मिलने वाली है, तो मैं वीडियो के अंत में बताऊँगा, तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिए। अगर सबसे पहले हम लोग बात करें इस फोन के बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में, तो डिसेंट सा लुक आपको देखने को मिल जाता है। प्लास्टिक बैक और प्लास्टिक फ्रेम के साथ आपको ये फोन देखने को मिलता है। 193 ग्राम का फोन रहने वाला है। 8.5 mm का थिकनेस के साथ आपको ये फोन देखने को मिलता है, तो डिजाइन और लुक आपको डिसेंट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अगर बात करें इस फोन के रैम और रोम के बारे में, तो LPDDR5 का रैम देखने को मिल जाता है। UFS 3.1 का स्टोरेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इस फोन में। साथ ही आपको तीन वेरिएंट में आपको ये फोन देखने को मिल जाता है, 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज। दूसरा वेरिएंट 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज। और तीसरा वेरिएंट आपको 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ देखने को मिलता है। आप कौन सा लेना चाहें आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले भी आपको इस फोन में काफ़ी बढ़िया देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसमें आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। 6.78 इंच का फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 1300 निट्स का पिक ब्राइटनेस देखने को मिलेगा। तो इंडोर आउटडोर आप आसानी से यूज़ कर पाएंगे। HDR10+ का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। साथ ही आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले से आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलने वाली है। फ्रंट साइड के बारे में तो बात कर लिया दोस्तों हम लोगों ने, यानी कि डिस्प्ले के बारे में बात कर लिया। अब चलिए बात करते हैं बैक साइड के कैमरा के बारे में। तो यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है। 64 MP का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है। OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। 4K वीडियो आप 30fps और 60fps पर रिकॉर्ड कर पाएंगे। साथ ही आपको दो छोटे छोटे कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि आपको 2 MP का डेप्थ 2 MP मैक्रो सेंसर के साथ देखने को मिलता है। साथ ही अगर बात करें फ्रंट साइड के बारे में, तो यहाँ पर आपको 16 MP का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको काफ़ी बढ़िया सेल्फी निकाल कर देगा। अगर बात करें इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो परफॉर्मेंस आपको शानदार देखने को मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 देखने को मिलता है। इसमें आपको अंतुतु स्कोर 8,90,000 के प्लस देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर आप गेमिंग शानदार कर पाएंगे। न्यू स्टेट COD ऐसा गेम तो आप 90fps पर खेल पाएंगे। साथ ही अगर VGMI वापस आ जाता है तो आप उसको भी 90fps पर खेल पाएंगे। साथ ही बात करें इस फोन के सॉफ्टवेयर के बारे में, तो एंड्रॉइड 13 के साथ देखने को मिलता है। फन टच OS 13 भी आपको यहां पर देखने को मिल जाता है, तो सॉफ्टवेयर आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएगा। और अपडेट्स के बारे में बात करें, तो 2 साल तक आपको OS अपडेट मिलता रहेगा और 3 साल तक आपको यहां पर सिक्योरिटी पैच का अपडेट मिलेगा। तो यहां पर आपको काफ़ी बढ़िया सॉफ्टवेयर भी देखने को मिल जाता है। साथ ही अगर बात करें इस फोन के बैटरी के बारे में, तो बैटरी यहां पर आपको 5000mAh की देखने को मिल जाती है दोस्तों। साथ ही यहां पर आपको 120W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। 25 से 26 मिनट के बीच में आपका ये फोन 0 से 100% चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको चार्जर अच्छा देखने को मिल जाता है और बैटरी भी आपको अच्छा देखने को मिलता है। अब अगर बात करें इस फोन के कनेक्टिविटी और एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको डुअल 5G का सपोर्ट देखने को मिलता है और 8 5G बैंड्स आपको देखने को मिल जाएगा इस फोन में। साथ दोस्तों यहाँ पर आपको NFC का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.3 मिल जाएगा और वाईफाई 6 देखने को मिल जाता है। साथ ही आपको इस फोन में डुअल स्पीकर भी देखने को मिल जाएगा। इसमें बहुत कुछ कमियां तो नहीं है, लेकिन दोस्तों एक दो कमियां हैं जो कि इस फोन में नहीं होनी चाहिए थी। इसमें आपको कम से कम मेटल फ्रेम देखने को मिलना चाहिए था, प्लास्टिक बिल्ड पर ही आपको देखने को मिलता है। 3.5 mm हेडफोन जैक मिलना चाहिए था, इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है। थोड़े बहुत ब्लॉट्स देखने को मिल जाते हैं फ्रंट टच OS के कारण। और यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी देखने को नहीं मिलता है। ओवरऑल दोस्तों थोड़े बहुत ही कमियां हैं और मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क ज़्यादा पड़ने वाला है किसी को। दोस्तों अब अगर बात करें इस फोन के प्राइस के बारे में, तो 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज 30,000 के अंदर रहने वाला है। 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज आपको 33 से 34,000 के बीच में देखने को मिल जाता है। और इस फोन से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए या फिर कोई भी सवाल है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।